हेलो नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं नल तथा टंकी या पाइप तथा टंकी कह लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा क्वेश्चनों का भी लेवल बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, जिसने भी समय और कार्य टॉपिक समझ लिया, ये समझो उसने आधा पाइप टंकी तो समझ लिया। तो आइए समझेंगे हम क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर एक, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दुष्यंत ने दोनों नल खोल दिए तथा वहां से चला जाता है तथा टंकी के पूरी भरने के समय वापस आता है और वह पाता है कि नशे की वजह से एक पानी निकालने वाला नल भी खुला रह गया। अब वह उसे बंद करता है और उसके दो घंटे बाद टंकी पूरी भर जाती है, तो पानी निकालने वाला नल भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर एक, ए बी, देखिए ए कितने घंटे, 10 घंटे, बी 15 घंटे। तो देखिए अब हमें इनका एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने का तरीका, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पूर्ण तरह भाग चला जाएगा तब वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, नहीं जाता है तो बड़ी संख्या का दोगुना कर लेंगे, जब भी नहीं जाता है तो तीन या चार पाँच पे लास्ट हो जाता है। तो देखिए 10 से 15 में भाग नहीं जा रहा, तो 15 का दोगुना 30, तो देखिए अब चला जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 30। तो 10, देखिए 10 से 3 बार और 15 से 2 बार। तो देखिए एक घंटे में 3 लीटर पानी भरता है और बी एक घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। तो देखिए इनका एक घंटे का कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 दोनों का, और देखिए टोटल पानी कितना है हमारा 30, यानी टोटल काम है हमारा, तो देखिए 5 से 6 बार, तो 6 घंटे अगर वो दोनों लगेंगे तो 6 घंटे में काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए उसने क्या किया, नशे की वजह से एक पानी निकालने वाला नल भी खुला रह गया। अब वह उसे बंद करता है और उसके दो घंटे बाद टंकी पूरी भर जाती है। तो देखिए एक जो पानी निकालने वाला पाइप भी खुला रह गया, तो उसने क्या किया कि इन ए बी के लिए दो घंटे का काम और बढ़ा दिया, और इनका एक घंटे का काम कितना, देखिए 5, तो दो घंटे का कितना हो जाएगा 10। तो सी इनके साथ लगा रहा 6 घंटे तक, तो उसने क्या किया 6 घंटे में 10 लीटर पानी खाली कर दिया। तो देखिए और उसके बंद करने के बाद दो घंटे बाद टंकी भर गई, और एक घंटे का 5 है तो दो घंटे का 10। तो देखिए 10 यूनिट खाली कितने घंटे में, 6 घंटे। तो देखिए उसने क्या बोला है, निकालने वाला नल भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। तो देखिए यहाँ 10 किया और टोटल हमारा कितना है 30 लीटर, तो देखिए कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 30 लाने के लिए, 3 की, और देखिए घंटे की भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 3 = 18। तो देखिए 18 घंटे में खाली करेगा, तो निकालने वाला पाइप 18 घंटे में खाली कर देगा उसे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति ने दोनों नल खोल दिए तथा वहां से चला जाता है तथा टंकी के पूरी भरने के समय वापस आता है और वह पाता है कि गलती से एक पानी निकालने वाला नल भी खुला रह गया। अब वह उसे बंद करता है और उसके 3 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाती है, तो पानी निकालने वाला नल भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? ए बी,
तो ए 20 मिनट ले रहा है, और बी 30 मिनट। तो देखिए अब इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने का तरीका, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पूर्ण तरह भाग चला जाएगा तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, नहीं जाता है तो बड़ी संख्या का दोगुना, चार पाँच पे जाके लास्ट हो जाता है। तो देखिए क्या 20 से 30 संख्या कट रही है, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 30 का दोगुना 60, तो देखिए अब चला जाएगा, तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 20 से 3 बार, 60 और 30 से 2 बार। तो देखिए ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है और बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, तो दोनों देखिए मिलकर करेंगे तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। तो देखिए टोटल कितना काम है हमारा, टोटल लीटर है हमारा 60, और दोनों मिलकर करेंगे तो 5 से 12। तो देखिए 12 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 12 है मिनट में, 12 मिनट में भर देंगे दोनों मिलकर। लेकिन क्या हुआ, गलती से एक पानी निकालने वाला नल भी खुला रह गया, अब वह उसे बंद करता है और उसके 3 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाती है। तो देखिए उसने क्या किया, निकालने वाला नल भी इनके साथ लगा रहा और उसने इनके लिए 3 मिनट का काम बढ़ा दिया ए और बी के लिए। तो देखिए ए बी का 1 मिनट का काम 5 है, तो 3 मिनट में कितना हो गया, 5 दिया 15, तो उसने क्या किया कि 15 लीटर पानी और निकाल दिया इसमें से, पानी 15 लीटर पानी सी ने निकाल दिया। तो फिर उसके बाद उसे बंद कर देता है वापस आके, और बंद करने के बाद 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो देखिए 15 लीटर यानी 15 यूनिट खाली, 15 यूनिट खाली 12 मिनट में 12 मिनट में उसने 15 यूनिट खाली कर दिया, क्योंकि 12 मिनट लगा रहा उनके साथ सी। तो देखिए अब उसने क्या कहा है कि निकालने वाला नल भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखिए खाली कितना करवाना है हमें, पूरा टोटल कितने की टंकी है, 60 लीटर। तो देखिए 60 बनाने के लिए 15 से कितनी मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, 4 से, 15 चौका 60। तो देखिए अब मिनट की भी 4 से कर देंगे हम, तो 12 चौक 48, तो 48 मिनट में खाली करेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 37/1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। देखिए दो पाइप हैं ए और बी, और देखिए ए 37/1/2 मिनट ले रहे हैं, तो देखिए 37 × 74 = 75/2, तो देखिए 75/2, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, मिनट। तो देखिए और बी 45 मिनट में भर सकता है, 45 मिनट में, तो देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं,
अब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 75 और 45 का एलसीएम आएगा 225। देखिए यहाँ ले लेते हैं हम 75 45, तो देखिए 5 से 15 बार और 5 से 9 बार, फिर 3 से ले लेंगे, 3 5 15 और 3 3 9, फिर 5 से ले लीजिए, 5 1 5 और 3 का ये 3 ही आ जाएगा, और फिर 3 से ले लीजिए, 1 और 3 1 3 1। तो देखिए 5 3 15, 15 5 75, 75 3 225, तो देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 3 5 15 का 5 हासिल कर 1 और 3 7 21 और 1 22, तो देखिए 225 आ गया। तो एलसीएम कितना आया हमारा 225। तो देखिए 75 3 225 और 3 2 6 और 45 5 225। तो देखिए ए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर सकता है और बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है, तो उसने क्या बोला देखिए, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। तो देखिए आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, तो 30 मिनट में टोटल टंकी हमें भरनी है और बी को बंद करवा रहा है, तो देखिए ए तो पूरा काम करता रहेगा लास्ट तक, क्योंकि ए को तो लास्ट तक लगना है जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, और 30 मिनट तक टोटल कार्य करना है तो आधे घंटे तक, तो देखिए ए 6 और गुणा 30 यानी आधा घंटा 30 मिनट, तो देखिए 6 3 18 और 0 180, ए का कितना हिस्सा है 180 लीटर ए ने किया, तो देखिए बचा किसका बी का, तो देखिए 225 माइनस 180, तो देखिए कितना आ जाएगा 45, ये माइनस करके 45 आ जाएगा, और देखिए किसके हिस्से के बचा ये बी के, बी का हिस्सा बचा, तो देखिए बी एक मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है 5, तो देखिए 5 से 9 बार, तो देखिए 9 मिनट 9 बाद बंद करना होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए बी को कितने मिनट बाद बंद करना होगा 9 मिनट बाद, ठीक है मैं लिख देता हूं बी को 9 मिनट बाद बंद करना होगा, तो नोट कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चनों पर दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, ओके।